हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम ये कंप्यूटर से रिलेटेड नंबर होते हैं जो CCC, ओ लेवल और ADCA जैसे कंप्यूटर कोर्सों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आपके SSC, रेलवे, तो यहाँ पर भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या है और ये इसकी सारी डिटेल हम देखते हैं आगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर सिस्टम क्या है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट द कंप्यूटर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो नंबर सिस्टम आपके होते हैं ये फोर टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, और वो ये आपके नंबर हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। पहला नंबर हमारे पास है बाइनरी नंबर, दूसरा हमारे पास है डेसिमल, और तीसरा हमारे पास जो नंबर है वो ऑक्टल है, और चौथा जो है ये हेक्साडेसिमल है। ये हमारे चार प्रकार के नंबर होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ये चारों नंबर जो होते हैं इसमें कौन कौन से डिजिट इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जो आपका बाइनरी नंबर होता है वो 0 और 1, सिर्फ दो डिजिट का इस्तेमाल करता है, 0 और 1 का। अगर हम डेसिमल की बात करें तो ये 0 से लेकर 9 तक की डिजिट का इस्तेमाल करता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 तक, ये 0 से 9 तक का जो डिजिट होती है ये इस्तेमाल करता है डेसिमल नंबर। ऑक्टल नंबर की बात करें तो ये 0 से लेकर 7 तक की डिजिट का इस्तेमाल करता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, ये 8 और 9 का इस्तेमाल नहीं करता है यहाँ पर। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो ये 0 से लेकर F तक, F का मतलब यहाँ पर 15 है, यानी कि 0 से 15 तक, 0 से 9, फिर 10, 11, 12, 13 और 15, तो 15 को यहाँ पर हम F कहते हैं। F क्यों कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में जब हम हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे। फिलहाल अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है, ये 0 से 1 तक डिजिट इस्तेमाल करता है, डेसिमल 0 से 9 तक, और ऑक्टल जो होता है वो 0 से 7 तक के डिजिट का इस्तेमाल करता है, हेक्साडेसिमल 0 से 15। अब उसके बाद ये यहाँ पर हर नंबर का अपना एक बेस होता है जिसे हम रेडिक्स या फिर बेस भी कहते हैं। तो जो बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। यहाँ पर बाइनरी जो है ये सिर्फ दो नंबर इस्तेमाल कर रहा है, 0 और 1, इसलिए इसका जो बेस है वो 2 है, यानी कि बाइनरी का जो बेस या मान होता है वो 2 होता है। डेसिमल का होता है वो 0 से 9 तक, यानी कि इसमें 10 डिजिट इस्तेमाल हो रही है, 1, 2, 3, 4 से लेकर के 1 से 9, और प्लस ये आपका 0, यानी टोटल 10 डिजिट, तो इसका जो बेस हो जाएगा वो आपका 10 हो जाएगा डेसिमल नंबर का। ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक का होता है, यानी कि इसमें 8 डिजिट इस्तेमाल हो रही है, तो ये आपका 8 हो जाएगा इसका बेस, और ये 0 से 15, यानी कि 16 डिजिट का इस्तेमाल कर रहा है, तो हेक्साडेसिमल आपका जो बेस है वो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाइनरी नंबर क्या है और उसका वो जो है डिजिट कितनी इस्तेमाल करता है और उसका जो बेस है वो क्या है। अब अगर आपसे कहा जाए कि कोई बाइनरी नंबर लिखो, यानी कि 0 और 1 से कोई एक संख्या बनाइए, तो यहाँ पर 1010010 करके आप कोई भी छोटी या बड़ी संख्या लिख सकते हैं, वो बाइनरी नंबर कहलाएगी। लेकिन उसका बेस लगाना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ यहाँ पर 1010010 लिख देते हैं तो ये कंप्लीट बाइनरी नंबर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, इस पर हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं आप ये 1100010, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये 2 इसका बेस लगा हुआ है, 2, तो ये बाइनरी, ये कंप्लीट आपका बाइनरी नंबर है जो कि वैलिड है, सही नंबर है। अगर हम डेसिमल की बात करें तो यहाँ पर 58470 और ये 10 लगा दिया, यानी कि ये आपका डेसिमल नंबर हो गया, ये डेसिमल नंबर है। और इसमें सभी नंबरों को सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो 11 लिखा है इसे आप 11 नहीं पढ़ सकते, इसे आप 1100 ऐसे करके सिंगल डिजिट पढ़ेंगे, और इसे भी आप सिंगल डिजिट ही पढ़ेंगे। ऑक्टल नंबर की बात करें तो ये 46201, इसके नीचे हमने 8 लगा दिया, यानी कि ऑक्टल का बेस 8 होता है, ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया। इसमें 8 और 9, मतलब बेस तो आपका 8 है बट नंबर 8 नहीं है, 0 से 7 तक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर 8 लिख देते हैं तो ये एक इनवैलिड नंबर होगा, यानी कि गलत नंबर होगा। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसमें 8FA का मतलब यहाँ पर जो हमने बताया 0 से 15 तक, यानी कि 15 का F होता है, तो ABCD होती है इसमें अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर FA। बाकी इसके बारे में हम हेक्साडेसिमल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे इन डेप्थली।
यहाँ पर कुछ वैलिड नंबर हमने दिए हैं, वैलिड और इनवैलिड नंबर। ये आपका वैलिड नंबर है 10010, इसके नीचे 2 लगा है, यानी कि एक बाइनरी नंबर है जो कि वैलिड है। अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये 10010 दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये बाइनरी है, बट इसके नीचे बेस लगा हुआ है 8, जो कि एक वैलिड नंबर है। अगर हम 2 लगा दें तो ये बाइनरी हो जाएगा, और 8 लगा दें तो ये हमारा हो गया ऑक्टल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्टल में भी 0 से 7 की डिजिट होती है, तो ये नंबर 0 से 7 के बीच का ही है, यानी कि ये एक वैलिड नंबर है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो 8745, इसके नीचे हमने 10 लगा दिया, तो ये एक वैलिड नंबर होगा। और कौन सा नंबर होगा? ये डेसिमल नंबर होगा। अगर इसके नीचे हम 8 लगा दें तो ये एक इनवैलिड नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 का मतलब हो जाएगा ऑक्टल, और ऑक्टल में 8 इस्तेमाल नहीं होता यहाँ नंबर में, तो इसलिए एक इनवैलिड नंबर हो जाएगा। फिलहाल तो ये वैलिड है, एक डेसिमल नंबर। इसकी बात करें तो ये एक हेक्साडेसिमल है, जो कि वैलिड नंबर है। अब हम कुछ इनवैलिड नंबर की बात कर लेते हैं। इनवैलिड नंबर में 110400, तो यहाँ पर 4 इस्तेमाल किया गया है, और बेस जो है ये 2 है, तो यानी बेस कह रहा है कि ये बाइनरी नंबर है, जबकि यहाँ पर बाइनरी नहीं है, तो ये एक इनवैलिड बाइनरी नंबर होगा। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर ये इनवैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया गया है, और ये कह रहा है कि ऑक्टल है, तो ये यहाँ पर एक इनवैलिड नंबर होगा। ये भी एक इनवैलिड नंबर होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ए से एफ तक का होता है, एच जी ये आगे के नहीं होते हैं, यहाँ पर ये एक इनवैलिड नंबर है। और ये जो है ये भी आपका इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पर ई इस्तेमाल किया गया है, जबकि ई डेसिमल में नहीं होता, हेक्साडेसिमल में होता है, और बेस यहाँ पर 10 लगा, यानी कि ये कह रहा है कि डेसिमल है, बट ये डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा नंबर सिस्टम क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, उन डिजिट का कितनी इस्तेमाल करते हैं, और उनका बेस क्या होता है, और नंबर को लिखा कैसे जाता है, कुछ वैलिड नंबर और कुछ इनवैलिड नंबर। तो आई थिंक नंबर सिस्टम के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। और नंबर सिस्टम में जो बाइनरी नंबर है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। बाइनरी जो होती है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। और यहाँ पर एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर सिस्टम का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो यूज़र कंप्यूटर में डेटा इनपुट करता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और कंप्यूटर उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जहाँ पर इन नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, इनका इस्तेमाल कंप्यूटर करता है। बाकी इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बाइनरी नंबर क्या है, और उसका ये डिजिट मतलब 0 से 1 तक उसका बेस क्या होता है, बाइनरी का डेसिमल का बेस क्या होता है, या ऐसे क्वेश्चन आता है 8 किस नंबर का बेस होता है, तो ऑक्टल नंबर का होता है। इसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा होगा, वहाँ पर हम देखेंगे इनका कन्वर्जन, यानी कि अगर बाइनरी नंबर हमारे पास कोई है ऐसा 110 करके, और उसको डेसिमल बनाना हो, या कोई डेसिमल है उसको बाइनरी बनाना हो, या किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, या इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि बाइनरी को डेसिमल कीजिए, डेसिमल को बाइनरी कीजिए, या किसी भी नंबर को, तो ये सारे कन्वर्टिंग नंबर जो कन्वर्जन सिस्टम है आपका, ये हम अगली वीडियो से देखेंगे। इस वीडियो में नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन था, और अगली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।